4+1 निमोनिया से कैसे बचे, मैंने आपको कहा है आप उस एरिया को छोड़ दीजिए। अगर उस एरिया में आपको लग रहा है कि आपके गले में अंगार हो रही है, नाक में अंगार हो रही है, आंखों में अंगार हो रही है, कानों में बिजिंग साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है ज़ोंबी से कैसे बचिए, उसकी गाइडलाइन जो प्रिपेयरनेस 101 डॉक्यूमेंट में दिया गया है, उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयरनेस 101 में दिया गया है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ, किसको मेरे बारे में क्या, काली मुसड़ी सफ़ेद मुसड़ी जो है उसके पहले आपको एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट कराना है। देखिए इसके बारे में किसी को नहीं जानते, कोई नहीं जानता, जब मेरे से पता चला तो आके फिर नैन झाड़ेंगे, हमने बचाया हमने बचाया, भाई साहब मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। ज़ोंबी मतलब अभी के लोग ना, नहीं, ज़ोंबी रियल वायरस, ज़ोंबी रियल वायरस। जिसको सेंस नहीं है उसकी, अरे भाई साहब मेरा टेलीग्राम पे मैंने कहा कोई तो भी इसको लिंक दो यार, वर्ल्ड वॉर जेड के जैसा हुआ तो घर घंटा कोई बचेगा। आप समझिए मैंने आपको सब कुछ बताया, सब कुछ बताया है, मेरे पास जो था सारा नॉलेज मैंने दिया है लोगों में, उसमें जाके कुक्का चिपकाया, कंट्रोल अपोजिशन हुए क्या नहीं हुए मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पे कोई बात नहीं करूँगा। जब इनके आंदोलन हुए, जब इनको सपोर्ट चाहिए था, तब मेरे को फ़ोन आए, मैंने इनके आंदोलन के बारे में ब्रॉडकास्ट किए, मैंने समझाया जाइए मुंबई में, जाइए यहाँ पे आंदोलन कीजिए, वो कर रहे हैं। देखिए बातों बातों में ना आदमी एक दूसरे को हर्ट कर डालता है। आप बातों से आप सामने वाले का दिल क्या कहते हो, उसे आप दुखी करते हो, हर्ट करते हो। योहान का जो कमेंट था उसने डाला, वो खुद उसने वीडियो एडिट करके उसके डाले, मैंने कहा भाई ये क्या है आप डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था। जानवरों को कैसे बचाने का है, उसको कोई टीका मत दीजिए। अपने क्लास में मैंने सिर्फ वैक्सीन नहीं, थैंक यू आपकी वजह से टीका नहीं लगवाया, बच गया हूँ। रियल में सर आप भैरव तो नहीं, भाई साहब भैरव सर मूवी में होता है वैसे ज़ोंबी, यस इजी वे टू लर्न मेडिटेशन, मैंने बताया है सर शादी करवा दो यार लड़की से, कहाँ से तामसी प्रवृत्ति के लोगों की बहुत गलत समय आ गया है। बिल्कुल हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए सर मूवी सब तो बकवास है ना ज़ोंबी वाली, लेबाना जी आप लड़का है लड़की मुझे पता नहीं, ज़ोंबी एपोकलिप्स का एक इंटरव्यू है बिल गेट्स का, जिसमें उसने कहा है कि हमने जो सारे ज़ोंबीज के जो गेम बनाए, जिसके अंदर गेम में हमने देखा है कि कोई भी बंदा गए 17 सालों से, यानी 2003-2004 के बाद उसने ज़ोंबी मूवीज स्टार्ट किए लोगों की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देखने के लिए। आप समझिए मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए या बाद में लगे तो ये चीज़ फिर से रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए। बिल गेट्स ने 2019 में उसके एक टेड टॉक शो में एक बात कही थी, जिसमें उसने कहा था कि हम गए 17 सालों से ज़ोंबीज जो है एपोकलिप्स सॉरी ज़ोंबी वॉर गेम्स हमने निकाले हैं, और उसमें उसने कोई भी आदमी दुनिया भर में जितने भी गेमर्स हैं, जो भी बेस्ट गेम प्लेयर्स हैं, वो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है, कोई भी उस गेम को एंड नहीं कर पाया है। तो अगर यह ऐसे होगा तो मुझे नहीं लगता है कोई दुनिया में जिंदा रहेगा, ये उसका टेड टॉक में उसने ये खुद स्टेटमेंट दिया है, जाके आप टेड टॉक सर्च कर लीजिए। तो इस चीज को आप समझिए, हम आपको डराने नहीं आए, हम आपको फैक्ट बताने आए हैं। ब्रेन वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली होता है, एक वर्ष डाले
या काय करता येईल, MRI स्कॅन काढा, MRI स्कॅन निकाल लो, कॉपी राइट प्लीज इसके बारे में बात मत कीजिए। यहाँ पे क्राइम ब्रांच वाले घूमते रहते हैं मेरे इस वॉल के ऊपर, प्लीज कमेंट डिलीट कर दीजिए ये कॉपी राइट। सर जोम्बी से कैसे बचे, ये यश ऑफिशियल ये कमेंट मत कीजिए, डिलीट कीजिए कमेंट्स। यहाँ पे क्राइम ब्रांच वाले घूमते रहते हैं, क्यों उनको हिंट दे रहे हो आप, आपके बचने के हिंट क्यों दे रहे हैं? सर हम जानते हैं आप डराते हैं, लेकिन आने वाले मोमेंट से चिंता होता ही थोड़ा। मैं डराता नहीं हूँ, मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं आपको आके सच बोलता हूँ। लोग कंडीशन होने के बाद में सोल्यूशन बोलते हैं, मैं आपको पहले ही वार्न करता हूँ, क्योंकि बाकी कोई डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूअर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में एक कंडीशन है। कोई भी ब्रांच के हो, मरने तो गया कॉमेंट, सॉरी सर। गम ब्लीडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ लोगों में रहता है। लेबना जी मैंने कल आपको हकाल दिया था, अगर आप ऐसे फिर से कमेंट करेंगे फालतू, मैं आपको हकाल दूंगा लाइव ब्रॉडकास्ट में से। मेरे को जरूरत नहीं है,